भाई जमाई राजा की पहली झलक तो आपने देख ली, लेकिन अब जो स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, उससे आप समझ जाएंगे कि मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक की ये बॉटल आखिर है क्यों। दरअसल ये जो अपने रवि दुबे है ना, हम जब वहाँ सेट पर पहुंचे तो इन्होंने हमें वाइन यार्ड की सैर कराई। अब मैंने जब ये वाइन यार्ड देखा ना, तो प्यास तो मुझे भी लगी, मदिरा पान तो मैं करती नहीं, तो बस मैंने कोल्ड ड्रिंक की ये बॉटल उठा ली। आप देखिए ये स्टोरी। हाय, मैं हूँ रवि दुबे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे जानते हैं, और अब मैं बहुत जल्द आपके सामने जमाई राजा के रूप में, जमाई राजा ही जो शो है उसमें आने वाला हूँ, और इस वक्त मैं नासिक में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विनयार्ड है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आप देख सकते हैं, पीछे आप पहाड़ों को भी देख सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल 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 लोकेशन, एंड देर इज़ नो एंड टू हाउ मच आई कैन टॉक अबाउट इट, क्योंकि ऐसी इतनी सुंदर लोकेशंस पे आपको शूट करने का मौका नहीं मिलता, अक्सर मौका नहीं मिलता। बहुत खूबसूरत है, एंड आई एम हैविंग अ बॉल ऑफ टाइम हियर। सो अगर आप सभी को मौका लगे तो प्लीज़ आइए नासिक, और इस जगह ज़रूर आइए आप। और ये पीछे जो है, ये यहाँ पे इनका एक रेस्टोरेंट है, एक यहाँ ये वाइन टेस्टिंग भी कराते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इट्स ओन सेल्फ, वेरी वेरी नाइस। चलिए, वहाँ का जो नज़ारा था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि लोकेशन बाहर से कितनी सुंदर है, अब मैं आपको इस लोकेशन के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही मुश्किल से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, जो मुझे एक्चुअली पता है नहीं कि क्या है, बट तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत पहले, मतलब इट्स बेसिक जनरल नॉलेज, बट बहुत पहले इसमें ग्रेप्स रखे जाते थे, कई सालों पहले, कई डेकेड्स पहले। ये जो कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हैं, इससे उन ग्रेप्स को दबाया जाता था, और ये जो वास में ओपनिंग्स है, इसमें से जो ग्रेप्स का वो जूस था वो बाहर आया करता था। और इन द प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग, दिस यूज्ड टू बी एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेप। And now I'll take you inside to show you how it is like from the inside. ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, this is the bottle shop. ये वो जगह है जहाँ आप आके अपनी रात की पार्टीज के लिए और गेट टुगेदर्स के लिए बहुत सारा सामान और बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, यानी कि बहुत सारी शराब, यानी कि वाइन खरीद सकते हैं। So let's move ahead. Let's go to the other shop now. This is the store. और इस स्टोर के अंदर क्या क्या मिलता है, ये हमें अंदर जाने के बाद देख के ही पता चलेगा। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। जब आप बर्मुडास पहनते हैं तो उनके ऊपर आप टी शर्ट्स पहनते हैं, बिना टी शर्ट्स के आप कच्छे नहीं पहन सकते, तो कच्छे मेरे पास हैं, और टी शर्ट्स खरीदने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये कुछ एक्सेसरीज हैं, कुछ मोमेंटोज हैं, सुवेनियर्स हैं जो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। चॉकलेट्स भी हैं, वाइन शेप्ड, और आपके पास शैम्पूज भी हैं, काफ़ी कुछ है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय यू कैन बाय, और शिखा अपने लिए यूज़ कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये। अगर इसमें से मुझे कुछ लेकर के जाना हुआ तो मैं शायद ये लेके जाऊंगा, और इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या है। दिस लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक विच इज़ वाई टू अंडरस्टैंड वॉट दिस थिंग इज आई वुड टेक इट होम। उसके अलावा जो कुछ भी है वो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि मैं जाके उसे घर पर अपने रख सकूँ। और इस स्टोर के बारे में बातचीत हो गई, ग्रेप सीड ऑयल, हाँ ये ज़रूर मैं घर लेके जाना चाहूँगा, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, सचिन मैम ने भी शायद खरीदा है यहाँ से, और मेरे घर में भी जो मेरी अर्धांगिनी है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, सो आई माइट टेक दैट होम, एंड दैट्स दैट। सो आई टोल्ड यू अबाउट द स्टोर, आई टोल्ड यू अबाउट दैट लिटिल द बॉटल शॉप आउट देयर, आई टोल्ड यू अबाउट द कॉन्ट्रैप्शंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ज़रूर हर किसी को अपने घर में रखनी चाहिए। ये कितने का सर? 325। सर ये तो पक्का दे देना आप मुझे, ये तो डेफिनेटली लेके जाऊँगा मैं। और यहाँ से मैं एक्चुअली नाउ दैट आई एम लुकिंग इनसाइड द शॉप, आपके चक्कर में आ गया अंदर में, और अब इस वजह से मैं यहाँ से काफ़ी खरीदारी करके जाने वाला हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।